नमस्कार। आपको सबको मालूम है कि 4 तारीख को मतदान के नतीजे निकलेंगे, मशीनें खुलेंगी और आपके द्वारा आज मैं जनता को और राजनीतिक दलों को अवगत कराना चाहता हूं कि जब मशीन खुले तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण। तो मैंने एक चार्ट बनाया, आप सब दलों के लिए चार्ट बनाया है और जो भी वहाँ काउंटिंग एजेंट बैठे हैं उनके लिए चार्ट बनाया है कि आपको क्या सुरक्षा करनी चाहिए काउंटिंग के वक्त। ठीक है, तो मैं चार्ट ये आपको दे भी दूंगा। अब इस चार्ट में आप देखोगे कि पहले लिखा है सीयू नंबर, मतलब कंट्रोल यूनिट नंबर, बाई तरफ कंट्रोल यूनिट नंबर। उसके नीचे लिखा है बीयू नंबर, दैट मींस बैलेट यूनिट नंबर। सो कंट्रोल यूनिट नंबर होगा यहाँ, बैलेट नंबर यूनिट होगा। ठीक है, और फिर पेपर सील होगी, वीवीपैट आईडी होगा। सो ये चारों चीज़ें लिखित रूप में होंगी वहाँ। ठीक है, आपको मैच करना है क्योंकि ये कंट्रोल यूनिट नंबर को आपको दिया जाता है। फिर आप आ जाओ काउंटिंग टेबल नंबर 1 में। उदाहरण के तौर पर काउंटिंग टेबल 1 में आप देखोगे ईवीएम इज ऑन ईसीआई। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तीसरा कॉलम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरे कॉलम पे लिखा है 4 जून 24। ठीक है, और नीचे लिखा है टाइम, मतलब कि ये रिजल्ट से पहले ये लिखित रूप में आ जाएगा 4 जून टाइम। कब, मतलब के कब ये इसका टाइमिंग कब होगा ये पता चल जाएगा आप। ठीक है, अगर इस टाइम में अंतर हो तो गड़बड़ है। तो आपको देखना है कि इस टाइम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जब भी आप काउंटिंग टेबल नंबर 1 में 4 जून का खुलेगी मशीन तो आपको देखना है क्या टाइम है। ठीक है, उसमें कोई अंतर होगा मतलब यह टाइम अलग दिखाएगा तो इसका मतलब कहीं और भी खुल चुकी। ठीक, फिर अगला टेबल और इंपॉर्टेंट है, सीरियल नंबर। वो सीरियल नंबर भी यहां लिखित रूप में आ जाएगा ऑफ कंट्रोल यूनिट, तो सीरियल नंबर मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैंडिडेट आ जाएंगे, टोटल पोल वोट्स आ जाएगी। ठीक है ना, टोटल पोल वोट्स जब आ जाएगी तो ध्यान से इसको देखना ताकि जब काउंटिंग में वोट ज्यादा हो तो गड़बड़ी। फिर आ जाओ आप, अब जब ये ऊपर की बातें सब हो जाएं तभी आप रिजल्ट बटन दबाने का की अनुमति देना। पहले ईवीएम, पहले 4 जून टाइम, सीरियल नंबर, कैंडिडेट, बैटरी, जो भी है, जब ये खत्म हो जाए तब आप उसको बोलना कि आप रिजल्ट बटन दबाइए। ठीक है, जब आप रिजल्ट बटन दबाएंगे तो आपको लिखेगा पोल रिजल्ट, उदाहरण के तौर पे 26 अप्रैल 2024, उस दिन मतदान हुआ होगा। ठीक है ना, तो अगर इसमें भी कोई अंतर है तो भी गड़बड़। और पीएसटी का मतलब पोल एंड, पोल स्टार्ट टाइमर एंड पोल एंड टाइमर। तो पोल स्टार्ट कब हुई, पोल एंड कब हुई, ये भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद सीरियल नंबर, ये जो सीरियल नंबर पहले सीरियल टेबल के नंबर से मैच करना चाहिए, फिर कैंडिडेट और फिर टोटल वोट्स पोल, उसके बाद कोई प्रॉब्लम। तो देखो, दो चीजों पर ध्यान रखो, रिजल्ट बटन नहीं दबाना जब तक वेरिफिकेशन ऊपर कॉलम के हो जाए, और अगर वो टाइमिंग और इस टाइमिंग में अंतर है, वो रिजल्ट की टाइमिंग में तो गड़बड़ है, उस टाइमिंग में अंतर है तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको दे भी दूंगा, टेबल भी दे दूंगा। ये मैं चाहूंगा कि सारे राजनीतिक दल और सारे कैंडिडेट जो वहां काउंटिंग एजेंट बैठे हैं वो इसको ध्यानपूर्वक
पहला कॉलम चेक करके तभी खुलवाएं।